brought to you by Techno Camon 30 series. चार जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। पिछले 2-3 साल से हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से महाराष्ट्र, लाखों लोगों से हमने बातचीत की, एक साथ चले। और जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो आपकी देन है, आपकी आवाज है, आपकी सोच है। भाइयों और बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है, और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको, मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू, ये सच्चाई है। अब कानपुर की जनता, आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, मैनचेस्टर का आप मुकाबला करते थे, आप में वो क्षमता है, आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया आप ही तो हो, मेड इन इंडिया मेड इन कानपुर ही तो है, मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बेंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप
किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी, एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं भाइयों बहनों थाली बजाओ। कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो। टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई?